स्विट्जरलैंड एक छोटा सा मुल्क है जो अल्पस के वस्त में समय एक डब बैठता है, बनाता है 360 डिग्री मनाजिर जहां भी कोई शख्स खुद को पाता है। मुतादद झीलें इस मुल्क के तस्वीरी पोस्ट कार्ड की शक्ल में भी इजाफा करती हैं, जिनका सबसे मशहूर शहरी अफसानवी हेडी रहा है। बैंकों से लेकर बकोलुक अल्पाइन मीडोज तक स्विट्जरलैंड में ये सब कुछ है। स्विट्जरलैंड में देखने के लिए बेहतरीन मकामात पर एक नज़र ये है। नंबर 10 इंटरलेकिन। इंटरलेकिन को घड़ी साजी के मरकज के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज ये एक सियाहती मकाम के तौर पर ज्यादा मशहूर है। सयाहों ने 1800 की दहाई के अवाइल में पहाड़ी हुआ में सांस लेने और सपा इलाज में हिस्सा लेने के लिए इंटरलेकिन आना शुरू किया। इसकी मकबूलियत सिर्फ वहीं से बढ़ी। स्विस के तीन मशहूर पहाड़ों ईगर, जिनगफ्राओ और मोनच के शानदार नज़ारे पेश करने वाला ये शहर बर्नेस उबरलैंड अल्पस के आसपास के बैरूनी सरगर्मियों के लिए एक मशहूर बीस कैंप भी है। भूखे सयाह शायद रेकलेट को आजमाना चाहें, जो पनीर से बनी एक क्लासिक स्विस डिश है। नंबर 9 लोजान। ओलंपिक की ख्वाहिशात रखने वाले एथलीट्स लोजान के दौरे से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं, जो एक खूबसूरत शहर है जो कि जनेवा झील पर दूसरा सबसे बड़ा शहर है, क्योंकि ये बैन अल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी का घर है। लोजान दुनिया की बेहतरीन स्की ढलवानों में से कुछ का गेटवे भी है। स्विस रवीरा का एक हिस्सा लोजान सदियों से मुसन्निफीन में मकबूल रहा है, जिसमें लॉर्ड बायरन, शीलीज और अर्नेस्ट हेमिंग्वे शामिल हैं। स्विट्जरलैंड के फ्रांसीसी बोलने वाले सेक्टर में वाक़े लोजान एक मुतासिर कुन कैथीड्रल और शानदार आउटडोर मार्केट्स का हामिल है। नंबर 8 जनेवा। जनेवा एक ऐसा शहर है जहां बैन अल-अक़वामी असरात सबसे ज्यादा राज करते हैं। ये बैन अल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी और अक़वाम मुत्तहिदा के यूरोपी हेडक्वार्टर के साथ साथ 20 दीगर बैन अल-अक़वामी तंजीमों का घर है। माहौलियाती मुसाफिर इस हकीकत से लुत्फ अंदोज होंगे कि जनेवा एक सब्ज शहर है जिसकी 20% अराजी पार्कों के लिए वक्फ है, और इसे पार्क्स का शहर का उर्फी नाम दिया गया है। सरफहरिस्त मकामात में सेंट पेयर का कैथीड्रल शामिल है, जहां जॉन केल्विन ने मशहूर वाइज दिया था, और अक़वाम मुत्तहिदा का हेडक्वार्टर। जनेवा मोटरसाइकिल के जरिए तलाश करने या जनेवा झील पर कुश्ती की सवारी करके थके हुए पांव आराम करने के लिए भी एक अच्छा शहर है। नंबर 7 ज्यूरिख। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर ज्यूरिख सकाफत में दिलचस्पी रखने वाले मुसाफिरों से अपील करेगा, क्योंकि इसमें 50 से ज्यादा म्यूजियम और 100 से ज्यादा आर्ट गैलरियां। जब जायरीन बैन अल-अक़वामी सतह पर मशहूर स्विस ब्रांड नाम के सामान की खरीदारी करते करते थक जाते हैं, तो वो ज्यूरिख झील पर कुश्ती की सवारी कर सकते हैं या करीबी पहाड़ों में पैदल सफर पर जा सकते हैं। शहर में इन मुसाफिरों के लिए क्लबों की एक शानदार तादाद भी है, जो रात को बाहर जाने से लुत्फ अंदोज होते हैं। याद नहीं किया जाना चाहिए स्विस नेशनल म्यूजियम एक परियों के कले में वाक़े है। ये स्विट्जरलैंड की सकाफती तारीफ के लिए वक्त। नंबर 6 ज़र्मिट। ज़र्मिट एक छोटा सा शहर है जो स्विट्जरलैंड के बुलंद तरीन पहाड़ों में से एक मेट्रेवर्न के करीब होने की वजह से स्कीइंग और कोपैमाई के लिए मशहूर है। केबल कारें सर्दियों में पहाड़ों के आसपास के स्काइरस और गर्मियों में पैदल चलने वालों को घूमती हैं। ज़र्मिट मुख्तलिफ मकामात पर पैदल चलने के लिए एक अच्छा शहर है, क्योंकि पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की इजाज़त नहीं है। शहर की हदूद में कोई भी गाड़ी बैटरी से चलने वाली होनी चाहिए। खुशकिस्मती से जायरीन के लिए साइट्स के दरमियान चलने में 30 मिनट या इससे कम वक्त लगता है।
ये शहर कुदरती ट्रेन के रास्तों के जरिए काबिल रसाई है जो उसे बैरूनी दुनिया से जोड़ते हैं। नंबर 5, जंगफ्राउ इलाका। जंगफ्राउ रीजन स्विट्जरलैंड में मौसम गर्मा और सर्दियों दोनों में देखने के लिए सबसे खूबसूरत मकामात में से एक है। एक या दो सदी कबल इस अल्पस के इलाके का दौरा सिर्फ सख्त गिर मुहिम जोई करते थे जो सकी आ पहाड़ों पर चढ़ना चाहते थे। अब रेलवे के वसी नेटवर्क और पैदल और मोटरसाइकिल के अच्छे रास्तों की बदौलत ये इलाका कई किस्म के मुसाफिरों के लिए काबिल रसाई है। जंगफ्राउ खित्ता 4 दिलकश शहरों पर मुश्तमिल है, ग्रिंडलवाल्ड, मुरीन, लाउटरबरूनन और वैंगन, और 3 मुसल्लत पहाड़ ईगर, मोनच और जंगफ्राउ। नंबर 4, लुगानो। मशहूर शख्सियत में इसकी बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से लुगानो को स्विट्जरलैंड का मोंटी कार्लो का लकब दिया गया है। ये शहर इस अल्पाइन मुल्क के इतालवी बोलने वाले हिस्से में लुगानो झील पर वाक़े है। लुगानो, जिसे गर्म मौसमों से नवाजा जाता है, 9वीं सदी का है। ये शहर सोई सकाफती वर्षा की एक बड़ी तादाद का घर है जिसमें 3 कैथीड्रल और कई अजायब घर शामिल हैं। मुतअद्दिद मालियाती इदारों का घर, ये शहर मौसम गर्मा में सालाना क्लासिकी मौसिकी के मेले लुगानो फेस्टिवल की मेजबानी करता है। नंबर 3, झील जनेवा। यूरोप की सबसे बड़ी झीलों में से एक झील जनेवा फ्रांस और स्विट्जरलैंड के दरमियान सरहद पर दरियाए रोन के किनारे वाक़े है। शहर जनेवा के अलावा जनेवा झील के इलाके में ज्यादातर मंजिलें आतो स्विस कैंटन ऑफ वार्ड ए फ्रांसीसी डिपार्टमेंट हाउटी सावई में है। जोग्राफिया मुख्तलिफ है, शुमाल में जूरा पहाड़, मरकज में एक पहाड़ी मैदान और जनूब मगरब में अल्पस। यहाँ के अहम पुरकशिश मकामात झील के आसपास के खूबसूरत शहर और कस्बे हैं, दोनों पहाड़ी सिलसिलों में स्कीइंग और पैदल सफर के मौके और यकीनन झील। नंबर 2, लोसरन। लोसरन स्विट्जरलैंड के जर्मन बोलने वाले हिस्से में वाके एक शहर है जिसमें ये सब कुछ है, शहर की जिंदगी, एक झील और पहाड़। दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक समझा जाता है, लोसरन अपने 14वीं सदी के चैपल बुर्ज और वाटर टावर के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा तस्वीरी यादगार है। एक और मशहूर यादगार डाइंग लायन है जो 1792 में फ्रांस में मरने वाले स्विस किराए के फौजियों के एजाज के लिए चट्टान से तराशी गई थी। भूखे जायरीन शायद लिवजरनर चिगीले पिस्टेट को आजमाना चाहिए जो एक मकामी खासियत है जो पफ पेस्ट्री, बेल और मशरूम से बना हुआ है जो करीम की चटनी में डाली जाती है। नंबर 1, बर्न। बर्न कुरून वुस्ता का एक दिलकश शहर है जिसकी तारीख 12वीं सदी की है, हालांकि ये 16वीं सदी तक स्विस कॉन्फेडरेसी का हिस्सा नहीं बना था। इसकी सबसे मशहूर तवज्जो एक कदीम घड़ी का टावर है जिसमें कठपुतली चलते हैं जो कभी शहर के मगरबी दरवाजे के तौर पर काम करता था। बर्न की दीगर मशहूर साइटों में मिनिस्टर, एक गोथक कैथीड्रल जो पुराने शहर से निकलता है, और उसका टाउन हॉल शामिल है। रीच बर्न की अलामत है जिसमें कई को खुली हुआ के गले में रखा जाता है। खरीदार इस पुराने शहर की तारीफ करेंगे जो 4 मील आर्किड्स पर फखर करता है जो उसे यूरोप के सबसे तवील इहाता शदा शॉपिंग एरियाज में से एक बना देता है।